देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, लेकिन जहां तक एनआईओएस की बात है और शिक्षा मंत्रालय और एनआईओएस इतने अच्छे से काम कर रहा है, और शिक्षा किसी का एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर दिल्ली सरकार को हमसे कोई सहायता चाहिए, क्योंकि हम अनुभवी हैं, 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, तो हम उनको गाइड करने के लिए, उनके मॉनिटरिंग में हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, लेकिन जहां तक एनआईओएस की बात है और शिक्षा मंत्रालय और एनआईओएस इतने अच्छे से काम कर रहा है, और शिक्षा किसी का एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर दिल्ली सरकार को हमसे कोई सहायता चाहिए, क्योंकि हम अनुभवी हैं, 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, तो हम उनको गाइड करने के लिए, उनके मॉनिटरिंग में हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको गाइडेंस देंगे, और वो निश्चित रूप से स्वागत है। वो हमारा सिस्टम देखें, हम उनको निश्चित रूप से मदद करेंगे उनकी शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को एनआईओएस का मैंडेट भी है कि हम उनकी हैंड होल्डिंग करें। तो दिल्ली सरकार की और उनके शिक्षा मंत्रालय की, शिक्षा जितने विद्यार्थी हैं वो हमारे ही विद्यार्थी हैं, दिल्ली के विद्यार्थी अलग नहीं हैं, उनके स्कूल भी सीबीएसई स्कूल के ही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, तो हम निश्चित रूप से उनको गाइड करेंगे। अब उन्होंने क्या दावा किया मैं नहीं कह सकती हूं, मगर मैं शिक्षाविद हूं, शिक्षा सबके लिए है, सबका अधिकार है। एक साल का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। एक साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, गांव में स्कूल नहीं है, या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर, जिस तरह से लड़कियों की एजुकेशन को लेके एक लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुँचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। कोरोना के वक्त जब स्कूल बंद थे तब वर्चुअल क्लासेस लगा करती थी, उन वर्चुअल क्लासेस से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये एक नई तरह का स्कूल चालू किया है। हमारा अपना ये मानना है कि स्कूल तो क्लास में आना ही चाहिए, स्कूल होना ही चाहिए, स्कूल में बच्चों को फिजिकली आना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों को फिजिकल स्कूल मुहैया नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, उन तक कम से कम शिक्षा तो पहुँचे। ये वर्चुअल स्कूल उन बच्चों को शिक्षा पहुंचाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लासेस जो हैं ऑनलाइन होंगी, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन अटेंड कर लें, जो नहीं भी कर सकते तो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो उसमें डाल दी जाएंगी, रिकॉर्ड में डाल दी जाएंगी, तो बच्चा जब भी फ्री होता है वो जाके उसको अपनी क्लास को देख सकता है। स्कूल का नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की आज से शुरुआत की जा रही है।